खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर भोज में शामिल होने दिल्ली शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में G20 की बैठक भी हो रही है। इस बैठक में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलवाया। इसमें पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलवाया। खुद पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर साझा की है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर भोज में शामिल होने दिल्ली शनिवार को पहुंचे थे। दिल्ली में G20 की बैठक भी हो रही है और इस बैठक में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलवाया और इसमें पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करवाया। खुद पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर साझा की है। तो ये तस्वीरें इंस्टाग्राम के जरिए पीएम मोदी ने साझा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ और इसी के साथ साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं जो बाइडेन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं और साथ में है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और संपादक अशोक मिश्र जी इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है और जो तस्वीरें भी सामने आई है पीएम मोदी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी है, नीतीश कुमार भी है, जो बाइडेन भी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी है। जानना चाहेंगे जो तस्वीरें सामने आई, क्योंकि खुद इस तस्वीरों को पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए साझा किया है, तस्वीरों को पोस्ट किया है, क्या लगता है क्या कितनी सार्थक मुलाकात हो पाई और इस तस्वीर के माध्यम से और क्या कुछ मायने निकाले जाए जो तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए राकेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस तस्वीर को साझा किया गया है उससे यह साफ संकेत है कि कहीं न कहीं भारत का जो लोकतंत्र है वो काफी मजबूत है और वैचारिक मतभिन्नता के होने के बावजूद भी देश की एकता अखंडता बिल्कुल कायम रखने के लिए जो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो उसका पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। और यही वजह है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब G20 के मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया तो उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था और इस अवसर पर नीतीश कुमार भी पहुंचे थे भोज में शामिल होने के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनसे नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन से मुलाकात कराई और उनका परिचय करवाया और जो तस्वीरें हैं उस तस्वीर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं। तो ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने भी वैचारिक मतभिन्नता होने के बावजूद भी उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार का और हेमंत सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया और अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कराई, यह साफ संकेत है कि वैचारिक मतभिन्नता अलग है लेकिन देश पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि इन नेताओं के चेहरे के भाव को भी अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो ये पूरी तरह से मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए नजर आए, यानी कि कहीं भी ये सिकन नहीं है नीतीश कुमार के चेहरे पर या हेमंत सोरेन के भी चेहरे पर कि कहीं न कहीं उनको ये नहीं लगता है कि इस कार्यक्रम में वो पूरे मनोयोग से शामिल नहीं हो रहे। तो ये खूबसूरत तस्वीर पीएमओ कार्यालय ने साझा किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इंस्टाग्राम पर और फिर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे डाला है। यह साफ संकेत है कि सारे मतभेदों को भुला करके जब देश की बात आती है तो देश के सभी नेता एकजुट दिखते हैं और यही संदेश और संकेत की गई है राकेश जी। चलिए, शुक्रिया अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट जानकारी जरूर लेंगे।